मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है ईस्कॉन। वो गौशाला बनाते हैं और गौशाला चलाने के लिए सरकार से उन्हें दुनिया भर का फायदा मिलता है, बड़ी बड़ी जमीन मिलती है। मैं अभी उनकी अनंतपुर गौशाला गई थी, वहाँ एक भी सूखी गाय नहीं थी, पूरी की पूरी डेरी थी, मगर एक भी बछड़ा नहीं था। इसका मतलब सब बेच दी गई। ईस्कॉन सभी सूखी गाय कसाइयों को बेच रहा है, जितना ये गाय बेचते हैं और कोई नहीं बेचता। सड़क पर जाकर जो हरे कृष्ण हरे राम करते हैं और कहते हैं दूध 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 पर उनका पूरा जीवन निर्भर करता है। जितनी गाय उन्होंने कसाइयों को बेची है शायद ही किसी और ने बेची हो। ये बयान मेरा नहीं, बीजेपी सांसद मेनका गांधी का है। मेनका गांधी के ईस्कॉन पर दिए गए इस बयान के बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको एक एक प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। इस मामले को लेकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपाइयों ने पहले भूमाफियों से मिलकर राधास्वामी सत्संग को अपना निशाना बनाया था और उसके बाद अब बीजेपी के लोग गोपालक भगवान कृष्ण के उपासकों पर ही कसाइयों को गाय बेचने का विभत्स आरोप लगा रहे हैं। विश्व भर के ईस्कॉन के अनुयायी इस आरोप से व्यथित और काफी दुखी है। वही एटा दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी के आरोपों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेनका गांधी के आरोपों की जांच होगी, अगर आरोप सही पाए गए तो तुरंत रूप से कार्रवाई भी होगी। बता दें कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस पर मेनका गांधी ने तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईस्कॉन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों के हाथों बेचता है। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंशों की सुरक्षा के लिए गौशालाएं खोली है, लाखों गौवंशों के भोजन और रखरखाव की व्यवस्था सरकार ने की है। उन्होंने अधिकारियों को निराश्रित गौवंशों की हत्या रोकने का आदेश दिया है। आगे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों की फसल को चरने नहीं दिया जाएगा, गोचर भूमि पर हरी घास उगाकर गौवंशों को खिलाया जाएगा। इसके बाद द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ईस्कॉन मंदिरों को कमाई का अड्डा बताया। उन्होंने कहा कि ईस्कॉन के मंदिरों से चढ़ावे की रकम अमेरिका भेज दी जाती है क्योंकि ईस्कॉन अमेरिका में पंजीकृत है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईस्कॉन मंदिर अमेरिका की साजिश है, इन मंदिरों में कृष्ण भक्ति की आड़ में धर्मांतरण कराया जाता है। तब उन्होंने केंद्र से ईस्कॉन मंदिरों की जांच कराने की मांग भी की, साथ ही लोगों से ईस्कॉन के बजाय कृष्ण मंदिर में ही पूजा अर्चना करने की अपील की। इसी के साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि ईस्कॉन मंदिर झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के बजाय उत्तर भारत में ही आखिर क्यों बनाया जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। हालांकि इन आरोपों को ईस्कॉन ने निराधार और झूठा करार दिया है, लेकिन जब से मेनका गांधी ने ये बयान दिया है तब से सियासी खेमे में भूचाल आ गया है। श्री कृष्ण को मानने वाले श्रद्धालुओं के मन की पीड़ा राजनेता कभी नहीं समझ सकते। आरोप सही है या गलत ये बात की बात होगी, लेकिन जिस बुनियाद पर ये आरोप लगाए गए हैं वो तथ्य जनता के सामने निश्चित रूप से आने चाहिए। और इसी के साथ जनता को भी ये समझना होगा कि कहीं इन आरोपों के पीछे आगामी चुनाव जीतने की कोई रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।